तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे अपने ही चैनल एवरीथिंग नॉलेजेबल में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में लेक्चर था डिस्कस किया था हमने, यहाँ पे आपका है एंटी मलेरियल एंड ऑक्सीटॉक्सिक्स है, जो कि मैंने दो लेक्चर में डिवाइड किए हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे लेक्चर होंगे। जैसे ये भी आपका यहाँ पे PCI द्वारा अप्रूव किया गया, ऐड किया गया है ये सब सिलेबस में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एंटी मलेरियल कर दूंगा, जिसका एक ड्रग है चिंचोना। नेक्स्ट आपका ऑक्सीटॉक्सिक, जिसमें है एरगॉट। तो दोनों को मैंने डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं एंटी मलेरियल के बारे में। एंटी मलेरियल यानी कि मलेरियल, मलेरियल क्या होता है देखते हैं। मलेरियल अपने भाषा में बताऊँ तो एक एक डिजीज होता है, जो कि कॉज बाय प्लास्मोडियम पैरासाइट ट्रांसमिटेड बाय द बाइल ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। ये एक ऐसा प्लास्मोडियम ऐसा डिजीज है जो कि फैलता है प्लास्मोडियम पैरासाइट से। ये कॉज होता है, जो कि ट्रांसमिटेड होता है, हमें फैलता कैसे है, बाइल ऑफ इन्फेक्टेड मॉस्किटो, जो इन्फेक्शन मॉस्किटो होता है उनके थ्रू ये फैलता है। एंटी मलेरियल क्या होता है, वो होता है डिजाइन टू प्रिवेंट और क्योर मलेरिया, मलेरिया को डिजाइन कर सॉरी क्योर करने में हेल्प करता है। सिंपल सा यहाँ पे एंटी मलेरिया का कुछ यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा से एग्जाम्पल मैंने आपको मेडिसिन के रूप में बता देता हूँ। वो है आपका क्रोरो CHLOR-QUIN, यानी क्लोरोक्वीन, डॉक्सीसाइक्लिन, और एक आता है प्रोजिनोसिनिल होता है। प्रोजिनोसिनिल एक मेडिसिन है जिससे हम आपका ठीक होता है। यहाँ पे नेक्स्ट हम आपका देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका ये है एंटी मलेरिया का। यहाँ पे देखिए मलेरिया, सबसे पहले मलेरिया, मलेरिया ऑकर ड्यू टू इन्फेक्शन बाई 4 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोआ प्लास्मोडियम सच एस पी मलेरे, पी विफेक्स, पी ओवेलन, पी फेल्सिपरम। ये आप जरूर याद करिए, यहाँ पे लर्न करना है आपको। चार तरीके के स्पीसीज होता है यहाँ पे आपका प्रोटोजोआ प्लास्मोडियम का, यहाँ पे आपका चारों का नाम है। ये सबसे कॉल होता है मलेरिया। यहाँ पे आपने सब देखा होगा प्रोटोजोआ प्लास्मोडियम। प्लास्मोडियम जो ये इसकी क्या होता है, ये मैं इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। प्रोटोजोआ प्लास्मोडियम ये होता है, इट इज अ जेनस ऑफ यूनिसेलुलर यूकेरियोट्स दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, दैट आर ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स एंड इंसेक्ट्स। इसे कहते हैं प्रोटोजोआ प्लास्मोडियम। आप बैक करके फिर से आप सुन सकते हैं इसका डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका द ड्रग विच आर यूज टू यूज इन प्रोफाइलैक्सिया और ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देखिए मलेरिया का दूसरा नाम भी यहाँ पे अनोन एज एंटी मलेरिया ड्रग्स, एंटी मलेरिया ड्रग्स कहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपको पहले भी बता चुका हूँ, कुछ एग्जाम्पल आपको। नेक्स्ट है आपका ये है चिंचौना। चिंचौना जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, घर पे आपका अवेलेबल होता है दालचीनी, चिंचौना वही है। यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे चिंचौना का सिनोनिम होता है जेसुइट्स बार्क। जेसुइट्स बार्क सिनोनिम है इसका। बायोलॉजिकली कहाँ से आता है, देखिए बायोलॉजिकली इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड आउटर बार्क ऑफ कल्टिवेटेड ट्रीज ऑफ चिंचौना कैलिसिया, कैलिसिया कैलिसाया। ये एक कंसिस्ट ऑफ ड्राइड आउटर बार्क, आउटर बार्क जो होता है टहनी, वहाँ से इसे कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज से लाया जाता है, जो कि ट्रीज का नाम है चिंचौना कैलिसाया। फैमिली इसका रूबिएसी फैमिली से आता है ये। मॉर्फोलॉजी देखिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ना, यह कलर है इसका, आउटर सरफेस इज डल ब्राउनिश ग्रे टू व्हाइट एंड इनर सरफेस इज येलोइश ब्राउन ग्रे आता है टू रेड डीप रेडिश ब्राउन। हर कोई अपने घर में देखा होगा ऐसे ऐसे कलर्स में आता है ये। ऑर्डर हो गया यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर में आता है। टेस्ट है आपका इंटेंसली बिटर होता है, इसका टेस्ट एस्ट्रिंजेंट होता है। एंड साइज हो गया 12.5 मिलीमीटर, 12 to 25 मिलीमीटर डायमीटर इन साइज रहता है। शेप है इसका ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल फीजर्स, ब्रॉड लॉन्गिट्यूडनल फीजर्स यानी कि लॉन्गिट्यूडनल फीजर्स में बता देता हूँ, डीप ग्रूव दैट सेपरेट्स द टू हेमिस्फीयर, यानी कि दो ये राउंड राउंड में, राउंड राउंड में होता है ना ये, उसी को ये लॉन्गिट्यूडनल फीजर्स कहा गया। विद ट्रांसवर्स क्रैक्स 6 to 12 मिलीमीटर अपार्ट में ये क्रैक्स भी रहते हैं यहाँ पे शेप में। केमिकली क्या कंसिस्टेंट होता है यहाँ पे देखिए, केमिकली स्टेम बार्क कंटेंस क्यूनिलॉइन क्यूनोलाइन एल्कोलॉइड, क्यूनोलाइन एल्कोलॉइड यहाँ पे ये इसमें स्टेम बार्क में कंस्टिट्यूट होता है। चीफली कंटेंट्स ऑफ एल्कोलाइड का क्यूनाइन क्विनिडिन सिनोनाइन है सिनोकाइनाइन, यहाँ पे चीफ कंस्टिट्यूएंट। अदर्स आर ग्लाइकोसाइड यहाँ पे है, टैनिन्स भी है, कैल्शियम ऑक्सीडेट है एंड स्टार्च यहाँ पे अदर्स में केमिकली ऑब्टेन होता है। इसका केमिकल टेस्ट है यहाँ पे थैलोक्विन टेस्ट है, जो कि इसमें क्या होता है थैलोक्विन के, इसमें देखिए एड ब्रोमाइन वाटर एंड डाइल्यूट एमोनिया टू द पाउडर ड्रग, इसे पाउडर ड्रग करें हीट इट, जब हीट करते हैं तो यहाँ पे एमरल्ड ग्रीन कलर यहाँ पे दिखने को मिलता है हमें, जिसे कहते हैं थैलोक्विन टेस्ट। यहाँ पे आ जाएगा एग्जाम्पल ऑफ यहाँ पे एंटी मलेरियल क्या केमिकल टेस्ट, यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं थैलोक्विन टेस्ट।
यहाँ पे नेक्स्ट आपका यूजेस, यूजेस में आप देखें एंटी मलेरियल, एंटी मलेरियल जो कि एम्पायर मलेरिया को प्रिवेंट करने में, यहाँ पे एंटी मलेरिया में यूज है एंटी पिपरे, एंटी पायरेटिक, एंटी पायरेटिक होता है यूज टू रिड्यूस फीवर में, रिड्यूस होता है प्रिवेंट और रिड्यूस फीवर में, अगर फीवर है तो आपका यू यूज करके आप फीवर को आप प्रिवेंशन हो सकता है। बीटर टॉनिक में यूज होता है बीटर टेस्ट, यानी कि बीटर टॉनिक यानी कि बीटर टेस्ट होता है। क्विनिन जेनेटिक क्यूरेशिया हो गया आपका कुछ एग्जाम्पल, स्टॉमच एक यानी कि भूख बढ़ाना, रूमेटिज्म एंड न्यूरल, रूमेटिज्म तो मैंने बताया है आपको, मसल्स में आपको पेन या फिर टिश्यूज में, फाइब्रस टिश्यू में पेन होने से वहाँ यूज होता है। न्यूरल या क्या होता है, न्यूरल क्या होता है जो कि एक पेन होता है जो ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ नर्व, हमारे जो नर्व में जो पेन होता है उसे न्यूरालगिया कहते हैं। एज ए कार्डियक डिप्रेशन में यूज होता है, यानी कि एजेंट होता है जो डिप्रेसेस द रेट ऑफ फोर्स ऑफ कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट, हमारे यहाँ पे कार्डिया यानी कि हार्ट से रिलेटेड हो गया कार्डियक, कार्डियक टॉनिक्स पे हमारा एक लेक्चर है वो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपका यूजेस होता है। यहाँ पे नेक्स्ट आपका फ्रीक्वेंटली अस्क क्वेश्चन, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए, डिस्क्राइब द किंकोना और इट बायोलॉजिकल सोर्स एंड ऑर्गेनोलेप्टिक क्वालिटीज, जो कि आराम से आप देख सकते हैं यहाँ पे। राइट ए ब्रीफ नोट ऑन ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ किंकोना, यहाँ पे ब्रीफ नोट एंड ज्योग्राफिकल सोर्स में आपको लिखना है यहाँ पे, तो सब यहाँ पे दिया हुआ है आराम से, सब जाइए यहाँ पे नोट डाउन करिए, नोट डाउन आप में आशा है कि आप ये नोट डाउन कॉपी में कर रहे हैं, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है, मैं बता रहा हूँ अभी से। पर डे में कम से कम 5 से 6 लेक्चर यहाँ पे आपको अपलोड करता हूँ आपके लिए, ताकि ये कोर्स जल्द से जल्द खत्म हो जाए, मैं नेक्स्ट टॉपिक में फिर जा सकूँ। सो होप आपको ये सब वीडियोस हेल्प करिए, अगर हेल्प करिए तो प्लीज़ आप इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।